हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक बेहद रोमांचक कॉमिक्स, डोगा का एनकाउंटर का तीसरा भाग, मुंबई पैसिफिक मॉल। अरे किरण, अरे मोनिका, उस नाम को सुनकर सूरज के मस्तिष्क को झटका सा लगा था। जन्म से सूरज का अतीत क्या था, उसे किसने और क्यों फेंका था कूड़े पर, ये रहस्य वो आज भी नहीं जानता था और ना शायद जानना चाहता था। उसे अतीत से जुड़े सिर्फ एक ही सवाल का उत्तर चाहिए था, जो उसे मिल गया था कि वो गटर की पैदाइश नहीं है, कुत्ते का बच्चा नहीं है वो। अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों? इस रेस्तरां में हमारे खाने पर पाबंदी है क्या? सूरज को मिला था एक परिवार, दो भाई इंस्पेक्टर सूर्य और डॉक्टर भानु प्रताप, एक बहन किरण, उसका अपना बाप जस्टिस चौधरी, मगर ना सूरज ने और ना ही डोगा ने उस परिवार को अपनाया था। तुम आओ ना, हमारे साथ बैठो। नोट: इन सब रहस्यों के बारे में जानने के लिए पढ़े डोगा का सनसनाता कॉमिक विशेषांक क्यों फेंका कूड़े पर, जिसमें डोगा ने पाया अपने परिवार को। ये कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़े। मीट मीट माई बेस्ट फ्रेंड सुदीप, संदीप, संदीप भीसे और संदीप, ये है मोनिका। हेलो हेलो, हो नो, ये तो वही है। और ये मोनिका के मंगेतर सूरज, आपसे मिलकर खुशी हुई। हत्यारा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। सूरज कैसे मिलाता हाथ? ओह आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। सूरज के दिमाग में सैकड़ों बिच्छू एक साथ रेंग उठे थे। मेरी बहन किरण एक हत्यारे के साथ, एक हत्यारा उसका बेस्ट फ्रेंड, उफ नहीं। इसकी खोपड़ी तो डोगा के निशाने पर है। वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर नायक भी इसे ढूंढ रहा है, इसको देखते ही उड़ा देगा। खैर, मुझे इस समय परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संदीप भीसे को डोगा की गोली अब बहुत जल्दी ही अपना शिकार बना लेगी। किरण मोनिका को बता रही थी, एक्चुअली मैं यहाँ एक पहुंचे हुए ज्योतिषी से मिलने आई हूँ, वे इसी मॉल में आने वाले हैं। ज्योतिषी, व्हाट ए जोक, तुम मानती हो इन सबको? मान लेने में कोई नुकसान भी नहीं दिखता। मैं जानती हूँ कि डोगा मेरा भाई है। मुझे संदेह हुआ था कि मेरा भाई सूर्य ही डोगा बनता है, पर सूर्य की दिनचर्या पर नजर रखने पर मैंने पाया है कि वो डोगा नहीं हो सकता। नोट: ये सब जानने के लिए पढ़े क्यों फेंका कूड़े पर, गोली और बारूद, डोगा माई ब्रदर और डोगा जेल में। ये चारों कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इस सीरीज की ये चारों कॉमिक्स जरूर पढ़ें। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, लोगों की मनोविज्ञान संबंधी परेशानी को सॉल्व करती हूँ, लेकिन अपने आप को इस गहन उधेड़बुन से नहीं बचा पाती। डोगा के मास्क के पीछे मेरे भाई का चेहरा क्यों है, ये मैं नहीं जानती। और आज इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं ज्योतिष का सहारा लेना चाहती हूँ। ज्योतिष श्री आनंदाचार्य जी पधार चुके हैं, तो फिर हमें चलना चाहिए ना मोनिका? क्यों क्यों, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई अनसुलझी समस्या नहीं है जिसका जवाब तुम्हें अभी तक ना मिला हो? क्या तुम उस समस्या के विषय में जानना नहीं चाहोगे? क्यों मोनिका, शायद मैं जानना चाहूंगी। सूरज, आओ ना, उनसे मिलने में कोई नुकसान नहीं। बारी की प्रतीक्षा बहुत लंबी नहीं थी। बेटी किरण, तुम्हारे हाथ की लकीरों के मुताबिक तुम दो सगे भाइयों की इकलौती बहन हो, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी में कम से कम एक लेकिन जरूर है। लेकिन क्या है आचार्य जी, तुम्हारे हाथ की लकीरें तुम्हारे एक और भाई को इंडिकेट करती है, जो सगा नहीं होगा, शायद वो मुंह बोला भाई हो। ओ यस, लकीरें बिल्कुल ठीक भविष्य बता रही हैं। मेरा वो मुंह भोला भाई कब तक मेरी जिंदगी में आएगा? वो तो तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है किरण, मेरी बहन। इस सवाल के उत्तर के लिए ज्योतिषी गणना करनी होगी बेटी, कुछ समय लगेगा, लेकिन जो मैंने कहा वैसा होगा जरूर। मोनिका अपना हाथ दिखाने को बहुत ज्यादा उत्सुक थी। जिंदगी ने मुझे सूरज और डोगा की आंधी में उड़ा रखा है, कटी पतंग सी इसी आंधी में उड़ती रहूंगी, या मेरी डोर सूरज कभी थामेगा भी?
भविष्य व जिंदगी को लेकर तुम्हारी सोचें बहुत उलझी हुई हैं मोनिका बेटी, और अभी इन्हें सुलझा पाना तुम्हारे वश में नहीं होगा। और जो बात अपने वश में ना हो उसका फैसला कुदरत और समय के हवाले करना ठीक होगा, क्योंकि कुदरत के खिलाफ जाकर इंसान कभी जीत नहीं सकता। भाग्य को कोसने के बजाय उस पर भरोसा करना श्रेयस्कर होता है। तुम्हारी लकीर बता रही है कि तुम्हें वैधव्य भोगना होगा। सूरज ने मोनिका की जिद पर हाथ ज्योतिषी की तरफ बढ़ाया था। अरे तुम्हारे हाथ में तो डबल लाइफलाइन है, मतलब तुम दोहरे व्यक्तित्व के मालिक हो। मैं नहीं जानता कैसे, मगर तुम दोहरी जिंदगी जी रहे हो, जैसे किसी एक इंसान के दो रूप। तुम्हारे जैसे लोग मानसिक रूप से कभी स्थिर नहीं रह पाते, जैसे दो नौकाओं पर सवारी करने वाला। इस स्थिति को ठीक करो। यदि एक नौका भंवर में फंस जाए तो तुम अपना पाव वहां से खींच नहीं पाओगे, ताकि दूसरी जो सुरक्षित है उस नौका में सवार हो जाओ। पहले तो मैं उस दोहरे व्यक्तित्व की खोज करूंगा जिसे मैं आपके मुताबिक जी रहा हूं। और संदीप, तुम क्या तुम अपना हाथ नहीं दिखाओगे? ना, नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करते या कुछ ऐसा छुपाना चाहते हो जो सबके सामने आ जाए तो तुम्हारा कैरेक्टर दागदार हो सकता है। अक्सर लोग इसीलिए ज्योतिषियों के सामने हाथ दिखाने से कतराते हैं। मेरा कैरेक्टर आईने की तरह साफ है मिस्टर सूरज, फिर भी तुम पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये संकट तुम्हारे लिए प्राण लेवा भी हो सकता है। तुम्हें महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। ओह, मेरा फोन। फोन सुनने के बाद मुझे जाना होगा किरण। संदीप, तुम अपना ध्यान रखना। तुम उस पागल ज्योतिषी की बातों में मत आओ, मुझे भला क्या होगा। संकट वाली बात पागलपन है। ज्योतिषी सचमुच पहुंचा हुआ है। अच्छा मोनिका, तुम किरण के साथ लौट जाना। मुझे एक काम याद आ गया है, मुझे फौरन जाना होगा। अरे पर सुनो तो सूरज। संदीप भीसे भी सुन रहा था। ओके मर्दान साहब, मिस्टर कैप से हथियार लेकर अभी पहुंचता हूं। संध्या गहराकर अंधेरे का साम्राज्य बढ़ाने लगी थी। जरूम, अंधेरे की छतरी फैलते ही जुर्म करवट लेने लगा था। जुर्म का फन कुचलने के लिए वफादारी सशस्त्र अलर्ट नजर आने लगी थी। इंसानियत के प्रति वफादारी निभाने के लिए ही तो उसने कुत्ते से सूरत धारण की थी। च्यूं च्यूं, क्योंकि कुत्ता वफादारी में अव्वल होता है। रुक, दोगा की सूरत देखते ही मौत नजर आ गई। तुझे संदीप भीसे, पिछली बार बोले गए तेरे झूठ ने मुझे कुछ पिछली बार बोले गए तेरे झूठ ने तुझे कुछ सांसें दे दी थी, मगर अब झूठ सच की कोई गुंजाइश मेरी गोली और तेरे जिस्म के बीच नहीं है। संदीप भीसे उस कार से टकराते टकराते बचा। क्रैच, उफ, अरे कोई पागल है क्या? उफ, संदीप, तुम, किरण, वो डोगा, वो मुझे गोली मारना चाहता है। मारना चाहता है नहीं, मार दी। च्यूं, डोगा नहीं। किरण, मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। संदीप, डोगा रुक जाओ, तुम इसे नहीं मार सकते और तुम इसको नहीं बचा सकती। हटो पीछे, एक खूनी का इंसाफ सिर्फ गोली ही कर सकती है। च्यूं, आह, नहीं, मैं उसे प्यार करती हूं, वो खूनी नहीं हो सकता। डोगा, सुना तुमने, वो खूनी नहीं हो सकता। डोगा मुजरिमों की शक्ल को अच्छी तरह से पहचानता है। संदीप, तुम ठीक हो ना? संदीप, तुम बोलते क्यों नहीं? किरण, वो मर चुका है। नहीं, उसे डोगा ने बेवजह मारा है। अपनी आंखों के सामने अपने प्यार की मौत देखनी पड़ी मुझे, वो भी डोगा के कारण, उस डोगा के कारण जिसे मैं अपना भाई। वह घटनास्थल इंस्पेक्टर सूर्य का क्षेत्र था। किरण, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और उस संदीप के लिए तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? वो किरण का दोस्त था, डोगा ने उसे बेवजह तो नहीं मारा होगा। भैया, आपको मुझे बताना होगा कि डोगा ने संदीप को क्यों मारा है। इंस्पेक्टर सूर्य को कोई वजह समझ नहीं आई थी। मैंने चेक किया है संदीप भीसे का नाम किसी थाने की बीसी फाइल तक में नहीं है। उसका छोटा सा इतिहास है,
वो कॉलेज से नकल के इल्जाम में डेस्टिकेटेड स्टूडेंट है। इसके अलावा वो किसी एक्वागार्ड कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी कर रहा है। डोगा ने उसे क्यों मारा होगा? डोगा ने उसे खूनी बताया था। वो खूनी था तो किसका खून किया था, क्या यह पता ना चलता? इससे क्या एक बात साबित नहीं होती भैया, कि डोगा कभी कभी गलतफहमी का शिकार होकर कुछ निर्दोष लोगों को मार डालता होगा? ऐसा मुमकिन है? मोनिका सूरज पर बिफर रही थी। क्या ऐसा वाकई मुमकिन है सूरज, कि डोगा के हाथों भूल या गलतफहमी के कारण किसी की हत्या हो जाए? अगर सूरज के हाथों भूल से यह वजन किसी पर गिर जाए मोनिका, तो जानती हो क्या होगा? मर जाएगा वो, या अपाहिज हो जाएगा। जिस तरह सूरज यह वजन उठाते वक्त प्रतिपल सावधान रहता है, वैसे ही डोगा भी जब गन का वजन उठाता है तो वह इस बात के लिए पूरी तरह सावधान रहता है कि वह गन किसी निर्दोष को ठंडा ना कर दे। डोगा किसी का गुनाह साबित होने के बाद ही उसे सजा देता है। संदीप भीसे को रेस्तरा में किरण के साथ देखते ही मेरा दिमाग भक से उड़ गया था। मेरा वश चलता तो मैं उसे वहीं गोली मार देता, मगर गोली मारने का काम डोगा का है, ना कि सूरज का। हम उसने एक सिपाही की हत्या की थी, और जब मैंने उसे मारा तो वो हथियारों का कोई कंसाइनमेंट लेकर जा रहा था, शायद अपराधियों को देने। यदि ऐसा था तो फिर घटना स्थल के आसपास से ऐसा कोई कंसाइनमेंट मिला क्यों नहीं? आज मीडिया काफ़ी फास्ट है सूरज, अगर ऐसी कोई खबर होती तो अब तक पूरी मुंबई में सनसनी मच गई होती। देखो, यहाँ हथियारों के किसी कंसाइनमेंट के पकड़े जाने का जिक्र किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि इन सब के पीछे क्या है, मैं नहीं जानता कि वो सब हथियार कहाँ गए, लेकिन क्या तुम डोगा की कार्य प्रणाली या क्षमताओं पर शक कर रही हो मोनिका? हाँ, इस बार कर रही हूँ, क्योंकि संदीप भी से कॉलेज से एक रेस्टिकेटेड स्टूडेंट है। इसके अलावा उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मुझे ये बात खुद किरण ने फोन पर बताई है। किरण हमारी दोस्त है, उसके दोस्त के प्रति तुम्हारा ये नजरिया बेहद कठोर व अमानवीय है सूरज। अब तुम्हें क्या बताऊं मोनिका, कि किरण मेरी सिर्फ दोस्त ही नहीं बहन भी है। मैं एक ऐसे हत्यारे अपराधी के साथ उसकी दोस्ती कैसे बर्दाश्त करता, जिसका अंजाम मुझे मालूम था कि मौत ही होगा। डोगा के जहन में कुछ सवाल थे। आखिर पुलिस को संदीप भीसे द्वारा वहां छोड़े गए हथियारों से भरी वो कार क्यों नहीं मिली? इंस्पेक्टर ईएस नायक को क्या मेरे द्वारा किए गए संदीप भीसे के कत्ल की जानकारी नहीं मिली होगी? उस जानकारी के तहत उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि एक सिपाही की हत्या में भी उसका हाथ था? आखिर चूक कहां हो रही है, कहां पर है झोलझाल? ये पता लगाने के लिए मुझे मर्दान सिंह चाहिए, और मर्दान सिंह तक पहुंचने के लिए मुझे जरूरत थी इस मोटरसाइकिल की। लाइसेंस के तहत विदेशी शराब की बिक्री के लिए मर्दान सिंह एक जानी मानी हस्ती का नाम है, मगर मैं नहीं मान सकता कि मर्दान सिंह सराफत से अपना धंधा करता होगा। सराफत से धंधा करने वाले आधी रात को अपनी फैक्ट्रियों के पिछले दरवाजे खुले नहीं रखते। ठहरो, मुझे भी अंदर आने दो। डोगा, मुझे मर्दान सिंह से मिलना है, वो मुझको कहां पर मिलेगा? मुंह में पिस्टल ठूसा था उसने इशारे से बताया। इस वक्त फैक्ट्री में कितने आदमी हैं? चलो, मैं ये खुद पता लगा लूंगा। मर्दान सिंह अंदर ही था। इस ब्रांड की शराब की एक विदेशी बोतल बाजार में 2500 रुपए की मिलती है। इस बोतल के हर बॉक्स में से दो असली बोतल निकालकर उसकी जगह पर हमारी फैक्ट्री की दो उसी ब्रांड की बोतलें डालकर माल को हमारी शॉप्स पर बिकने के लिए भेज दो, और उसमें कोई शक नहीं कि उन दो बोतलों में घटिया शराब भरी होगी, जिसे पीकर कोई बीमार पड़ेगा तो कोई मरेगा। मर्दान साहब, किसी को हमारी शराब का स्वाद बदला हुआ महसूस क्यों नहीं होता? कोई शिकायत लेकर ही नहीं आता। शक्ति, चुटकुला मत सुना। दो आदमी शिकायत लेकर आए थे क्या? सच मर्दान साहब? हाँ, पर ये तो पूछ कि वो दोनों अब कहाँ हैं। कहाँ हैं मर्दान साहब? ऊपर, भगवान के घर। हाँ, जहाँ एक दिन सभी को जाना है मर्दान सिंह।
कुछ को देर में तो कुछ को जल्दी, ये कौन बोला? मुझे अक्सर तुम जैसे लोग मेरी गोलियों की आवाज़ से भी पहचान जाते हैं। डोगा, ये तो डोगा है, देखा तू भी कितनी जल्दी पहचान गया। मैं तुझे तेरी पहचान बुला दूंगा डोगा, ये काम मुझ पर छोड़ दे मर्दान, क्योंकि मैं भी इसी मकसद के साथ यहाँ आया हूँ। च्यूं च्यूं च्यूं, खना खना खना, हम आराम से बातें करें, उसके लिए जरूरी है कि तेरे ये पालतू पिल्ले मेरे बीच ना आए। खना आह, बोतलों के सौदागर हो तुम सब, खना आह, बोतलों की ही भाषा समझोगे, छना आह, खना आह, इसको मैं डोगा राग कहता हूँ, आह छना। डोगा को देखते ही अपराधी डोगा राग अलापने लगता है, अरे ये तो ठुमरी गाने लगा, खना ई। हो लानत है तुम पर मर्दान सिंह, तेरा नाम मर्दान सिंह है और वार तू पीछे से कर रहा है, वार पीछे से हो या आगे से निशाने पर लगना चाहिए, यही मर्दान सिंह का असूल है। बेईमानों शातिरों और हरामखोरों लोगों के असूल नहीं होते मर्दान सिंह, एक अनुशासित आदमी ही असूल बनाता है और अपने बनाए उन्हीं असूलों पर चलकर समाज को अपना योगदान देता है। काली अपराध की दुनिया का एक डोन भला क्या योगदान देगा, वो तो डोगा के हाथों अपनी जान देगा, मगर तू सस्ते में नहीं मरेगा डोगा। और उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में जो खलबली मची है वो इसी के आदमी के कारण मची है, और ये ही उन रहस्यों पर से पर्दे उठा सकता है, ये बता सकता है कि संदीप भीसे द्वारा छोड़े गए हथियार कहाँ गए, हो सकता है इसकी पुलिस से मिली भगत हो। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि सिपाही की हत्या क्यों हुई थी, धड़, और सिपाही की हत्या में संदीप भीसे का नाम कहाँ गायब हो गया। शायद मर्दान इस सारे झमेले में अपना नाम कहीं ना आने देना चाहता हो, और उसके लिए उसने पुलिस को घूस खिलाई होगी। गोलियों और शराब ने मिलकर यहाँ आग भड़का दी है, मुझे इसको बाहर ले जाना होगा। डोगा ने मर्दान को तो ट्रक में डाल दिया, मगर खुद ट्रक की ड्राइविंग सीट तक नहीं पहुंच सका। उफ घुर्र, किसी ने तेजी से ट्रक को बैक किया था, जब तक डोगा संभलता ट्रक आगे जा चुका था। ट्रक में कौन है, मर्दान का कोई आदमी या कोई और? ट्रक ने बड़ी तेजी से टर्न लिया तो डोगा को ड्राइवर की सूरत चमक गई, ये तो इंस्पेक्टर नायक है। इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर नायक मर्दान को उठाकर क्यों ले गया? ओ, अब समझा, वो उसे मेरे हाथों से बचाना चाहता होगा, वो उसका एनकाउंटर ही करना चाहता था, तो उसका काम तो मैं कर ही रहा था, बल्कि मर्दान की मेरे हाथों मौत के बाद उसके पास मेरे एनकाउंटर का अवसर था, उसने ये अवसर क्यों गवा दिया? उफ, आंख प्रचंड हो रही है, जो गुथियां मेरे लिए उलझी हुई थी वो अब सुलझ रही है, मर्दान से बिना मांगे ही मुझे मिल रहे हैं अपने सवालों के जवाब। मर्दान का इंस्पेक्टर नायक के साथ रिश्वत का रिश्ता है, यदि ऐसा नहीं होता तो वो यहाँ पर मेरा एनकाउंटर करता, मगर वो दोनों में से एक ही काम कर सकता था, या तो मेरा एनकाउंटर या तो फिर मर्दान के प्राण की रक्षा। मेरे एनकाउंटर की असफलता मर्दान की जान की भी दुश्मन बन जाती, इसीलिए इंस्पेक्टर नायक ने मर्दान को ही उठा लेना बेहतर समझा। बड़ाम, दो निर्दोष लोगों का एनकाउंटर का पाप तेरे सिर पर पहले से ही था इंस्पेक्टर ईएस नायक, और अब मर्दान के साथ तेरे बिजनेस रिलेशंस ने तेरी मौत के फरमान पर पक्के दस्तखत कर दिए हैं। बहुत जल्दी होगी हमारी मुलाकात, और वो मुलाकात तेरी सांसों के गुड बाय के साथ खत्म होगी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही, ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में, जो लेकर आ रही है अपने साथ सभी सवालों के जवाब। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।